हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस डेरिवेशन ऑफ फॉर्मुलाज फर्स्ट इज़ डेरिवेटिव यूजिंग द फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला फॉर दिस वी नीड न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला ये प्रीवियस चैप्टर चीज़ें पढ़िया हो जस्ट उस लिख लेना ठीक है हेयर वॉट इज़ पी एक्स माइनस एक्स नॉट डिवाइड बाय एच इस फार्मुलाएशन वन कहता एंड वी विल डिफेंशीएट दिस विद रिस्पैक्ट टू पी तो हैंड साइड बनेगी अपनी डी वाई बाई डी पी डेरीवेटिव ऑफ वाई नॉट इज़ अ कॉन्सटेंट जीरो डेरीवेटिव ऑफ पी इज़ वन इन डेल्टा वाई नॉट डेरीवेटिव ऑफ पी वन पी माइनस वन एस सच देन डेरीवेटिव ऑफ पी माइनस वन इज़ वन इन टू पी डेल स्क्यर वाई नॉड एंड सिमिलरली फॉर रेस्ट ऑफ फैक्टर्स इसी सॉल्व कर लिया सो डी वाई बाई डी पी बन गया अपना डेल्टा वाई नॉट प्लस सॉल्व करेंगे तो फैक्टर बनेगा टू पी माइनस वन डिवाइड बाय टू डेल स्क्वायर वाई नॉट then इस पूरे फैक्टर की जो सोल्यूशन है दैट इज इक्वल टू थ्री पी स्क्वायर माइनस सिक्स पी प्लस टू डिवाइडेड बाई सिक्स डेल क्यू बाई नॉट एंड सो ऑन आर क्वेश्चन इज वी नीड वी नीड डेरीवेटिव एट सम पॉइंट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट ठीक है सो फॉर फाइंडिंग डेरीवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट यू विल टेक द वैल्यू ऑफ पी पी सक्स माइनस एक्स नॉट डिवाइड बाई एच एट एक्स इज ईक्वल टू एक्स नॉट अथी एक्स नॉट सबस्टिट्यूट करिए देन पी विल बिकम जीरो सो एट अ पॉइंट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट वैल्यू ऑफ पी इज़ जीरो सो नाउ वी विल कम बैक टू आवर डेरीवेटिव तो सानू डी वाई बाई डी एक्स चाहिए तो डी वाई बाई डी एक्स कैन भी रिटर्न एज बाय द चेन रूल देखो बाय द चेन रूल डी वाई बाई डी पी डी पी बाय डी एक्स इस फॉर्मुला डी पी बाय डी एक्स कैलकुलेट कर लेना पी इज एक्स माइनस एक्स नॉट डिवाइड बाई एच इसी पी बाय डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी वन एच सो डी वाई बाई डी एक्स इज डी वी डी वाई बाई डी पी इन टू डी पी बाय डी एक्स ठीक है तो प्रीवियसली असी डी वाई बाई डी पी कैलकुलेट किया इन टू डी पी बाय डी एक्स दैट इज़ वन बाई एच सो ये वन बाय एच अगे शिफ्ट कर लेंगे एंड इस पूरी कैलकुलेशन वेयर एवर इज़ पी पुट पी इज इक्वल टू जीरो पुट पी इज इक्वल टू जीरो सो दिस विल गिव अस द फॉर्मुला फॉर द फस्ट डेरीवेटिव नाउ वी विल ऑबटेन फार्मूला फॉर द सेकेंड डेरीवेटिव एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट वैन एक्स इज एक्स नॉट असी डिस्कस कर लिया कि पी कि हो जाएगा जीरो ठीक है तो सैकेंड डेरीवेटिव क्डन दे विल राइट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट डेरीवेटिव पी दैल्यू भर तो पहला जो अभी वैल्यू लिखी थी वो वैल्यू लैली आपका एंड डिफेनशियेट दिस विद रिसपैक्ट टू एक्स रिमैबर देखो हूँ अं इिफेनशिएट विद रिसपैक्ट टू एक्स के है सो लैफ्ट हैंड साइड बन गई साड़ी डबल डेरीवेटिव विद रिस्पैक्ट टू एक्स इत आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ बाकी रैस ऑफ फैक्टर एस सच इस डी डी एक्सन फिर तो चेन डूल के सपलिट कर लिया डी डी एक्स कैन बी रिटन एज डी डी पी डी पी बाय डी एक्स हजे होर कुछ नहीं किया ठीक है तो डी डी पी इन टू डी पी बाय डी एक्स इस डी पी बाय डी एक्स की वैल्यू कि भर लाँगे आप वन बाय एच सो नाउ द डबल डेरीवेटिव इज वन बाय एच स्क्वायर नाउ अभी परफॉर्म करता है डेरीवेटिव विद रिस्पैक्ट टू पी एनु पी द विद रिस्पैक्ट टू डिफेंशिएट करा फैक्टर हो जाएगा जीरो इस फैक्टर की वैल्यू कि आजगी पी के विद रिसपैक्ट टू डिफेंशिएट करा टू बाई टू आ आजूगा सिक्स पी माइनस सिक्स डिवाइडेड बाय सिक्स इथे आ जाएगा ट्वेल्व पी स्क्वायर माइनस थर्टी सिक्स प्लस ट्वेंटी टू पी इस तरीके तरीके वैल्यू आ गई दिस इज एक्एशन टू यूरी डेरीवेटिव करा बादल यही वैल्यू आ गई डिफेंशिएट कर लिया आपका सो हूँ इस इस दे अंदर अगला स्टैप की है नाव वी विल पुट पी इज इक्वल टू जीरो तो जो असी इस दे अंदर पी न जीरो भरया तो को एक फॉर्मूला बन गया वी हैव टू मैमोराइज दिस फॉर्मूला इस फॉर्मूले फॉमुले जिथे भी जरूरत पेगी असं याद कर लेना यू जनरलाइज किमें देखो इतने की आ रहा है इस पूरे फॉर्मुले असी कि लिखिया ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰਮਸ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਓਨੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਟਰਮਸ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਡੈਲ 4 ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡੈਲ 4 ਤੱਕ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਟਰਮਸ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਇਹ ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ ਟਰਮਸ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੋਂ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਕਸਿਮਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮਸ ਤੱਕ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ 3-4 ਟਰਮਸ ਅਕਦੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣੀ ਹੈ

ये डैरीवेटिव क्डना सगा तो आपू डिफेंशिएट कर लिया विद रिस्पैक्ट टू पी दिस इज़ अ डेरीवेटिव विद रिस्पैक्ट टू पी पी दे विद रिस्पैक्ट टू डैरीवेटिव किता जिथे जिथे पी नहीं हैगी उ जीरो हो गया पी का दे डैरीवेटिव वन हो गया जिमें पिछले क्वेश्चन किया हेयर वॉटर्स पी इज़ एक्स माइनस एक्स एन बाय एच पेल अभी एक्स नॉट पॉइंट से क्योंकि असी स्टार्टिंग शुरू कर रहे थे फॉरवर्ड फॉमुला अभी बैकवर्ड अच्छों शुरू किया तो लास्ट पॉइंट किन्ना अपना एक्सएन इस करकेगा एक्स माइनस एक्सएन डिवाइड बाय एच इन द सिमिलर मैनर जो अ डिफेंशियट विद रिसपैक्ट टू एक्स किया तो की बन गया वन बाय एच एंड जो अभी लास्ट पॉइंट से एक्स की जगह पर एक्स एन भर एक्स एन माइनस एक्स एन पी की वैल्यू कि होजूगी जीरो ਸੋ व्हेਨ ਐਕਸ will be इक्वल टू ਐਕਸ ਐਨ ਪੀ will be इक्वल टू ਜ਼ੀਰੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਐਟ ਦਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜ਼ੀਰੋ ਪੀ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਪੜਤਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 4 ਆਰਡਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਟਰਮਸ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਚ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀਆਂ ਟਰਮਸ ਵੀ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਚ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸੈਕੰਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਐਕਸ तो फिर तो डी डी एक्सन असी सप्ल्ट कर लेना डी डी एक्स विल बी डी पी बाय डी डी पी इन टू डी पी बाय डी एक्स फिर डी पी बाय डी एक्स विल बी वन बाई एच तो इस डी डी एक्स की प्लेस किने ली डी डी पी और इस डी पी बाय डी एक्स की प्लेस से की आ जाएगा वन बाई एच नाओ जिथे जिथे वेयर एवर वी वे आर फाइंडिंग पी वी विल डिफेंशीएट दैट विद रिसपैक्ट टू पी ठीक है तो इस तो कोई पी नहीं है डेरीवेटिव विद रिसपैक्ट टू पी करा जीरो इसका डैरीवेटिव कराता टू बाय टू इस डैरीवेटिव सिक्स पी प्लस सिक्स by 6 and so on we are writing here delta 4 tak the terms if we want to write uh, find more number of terms so as we formula jeda starting ch la ke chaleya osi diyan zyada number of terms la ke chalange theek hai so itthe tak sada formula ho gaya now for the final derivative we will put p is equal to 0 double derivative de vich asi p nu 0 par leya asi four order tak diyan terms calculate kitiyan sigiyan to jado sanu derivation of formula aayega ta asi itthe tak chhadange ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆ ਮੈਕਸਿਮਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮਸ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕੀਏ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਟੂ ਮੈਮੋਰਾਇਜ਼ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਂਡ ਵੈਨ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਡਿਮਾਂਡਡ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜੈਸਾ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਜਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਰਟ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਡਾਟਸ ਪਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਇਜ਼ ਇਟ ਕਲੀਅਰ ਆਈ ਵਿਲ ਰਿਪੀਟ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋ ਸੁਣ ਲੈਣੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ 4 ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮਸ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਆਪਣੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮਸ ਤੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਾਵਰ 5 ਹੋਏਗੀ ਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਅ ਸੈਂਟਰਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੋ ਸੈਂਟਰਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰਿਲਿੰਗ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚਲੋ ਸਟਿਲ ਵੀ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਥਿਸ ਤੋ ਸਟ੍ਰਿਲਿੰਗ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਕਰਿਆ प्रोसेस सेम या वाई हो गया इस पी दे विद रिसपैक्ट टू डिफेंशिएट किया इस फॉर्मुले जिथे पी है उसका डैरीवेटिव वन इस्च पी नहीं है डेरीवेटिव इज जीरो ठीक है इतने पी सी पी का डैरीवेटिव टू पी बाय टू फैक्टोरियल, अगेन जिथे 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 फैक्टर सू मिल रहा है एन पी विल बी एक्स माइनस एक्स नॉट डिवाइड बाय एच जदों एक्स द्लेस से एक्स नॉट भर दैन वी विल गैट पी इज इक्वल टू जीरो